हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, इसका ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर जो है, इसमें लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमें जो ए के जो भी सारे टॉपिक्स हैं यानी डिसीज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके टाइप्स देखेंगे, इटोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ें आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या MI बोलो या हार्ट अटैक बोलो। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फ्रैक्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक, यानी हम यह तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेथ ऑफ कार्डिक टिश्यू, यानी इसमें क्या होता है, जो कार्डिक टिश्यू होते हैं इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डिस्टर्ब ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड सप्लाई। क्यों? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें डिस्टर्ब हो जाना, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डिक टिश्यूज होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई की वजह से जो कार्डिक टिश्यूज है वो डेथ होते हैं, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज इनरिवर्सिबल डेथ ऑफ हियर्स हार्ट सेल ड्यू टू आइसेमिया। ठीक है, यानी इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इनरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट सेल्स, यानी जो हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल्स होते हैं ये डेथ हो जाते हैं। क्यों? इनसेमिया की वजह से। इनसेमिया मतलब ऑक्सीजन की ना मिल पाना। ठीक है, ऑक्सीजन ना मिल पाना, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक इज ए कंडीशन इन विच ए ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ हार्ट स्टॉप और हाईली इनएडिक्वेट कॉजिंग द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स टू डाई एंड फेल टू पंप ब्लड, यानी जो मायोकार्डियल या हार्ट अटैक है इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड फ्लो है ये हार्ट स्टॉप हो जाता है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इज हाईली इनएक्वेट कॉज द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स टू डाई, इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट मसल होते हैं वो डाई हो जाते हैं। एंड फेल टू पम्प ब्लड, ये मतलब जो ब्लड पंप नहीं कर, ठीक है, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हो। अब देखते हैं टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स की बात करें तो ट्रांसमुरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, नॉन ट्रांसमुरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमुरल MI। इन दिस टाइप ऑफ MI, यानी MI हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑल द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट मसल्स आर अफेक्टेड इनसेमिया न्यूसिस, यानी जो तीनों लेयर होती है हार्ट की वो इफेक्ट होती है इनसेमिया न्यूसिस की, जिसमें एंडोकार्डियम हो गया जो इनर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है एपिकार्डियम, ये तीनों इफेक्ट होती हैं। वहीं हम बात करें नॉन ट्रांसमुरल MI के बारे में, इन दिस टाइप ऑफ MI द इनसेमिया न्यूसिस इफेक्ट एरिया इज लिमिटेड टू एंडोथेलियम टू मायोकार्डियम, इसमें क्या है कि जो इनसेमिया होता है ये सिर्फ लिमिटेड एरिया तक ही होता है, या तो एंडोकार्डियम तक या तो फिर मायोकार्डियम तक, एपिकार्डियम तक नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांसमुरल MI। ठीक है, ट्रांसमुरल और नॉन ट्रांसमुरल क्या डिफरेंस है, वो तीनों लेयर्स में होती है, और ये तीनों लेयर्स में नहीं होती, एक या दो लेयर में ही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटोलॉजी। इटोलॉजी मतलब कॉज। ठीक है, एक सिंपल वर्ड से बोले तो कॉज, यानी किसकी वजह से ये हो रहा है, यानी रीजन या कॉज मान लो कि मतलब हाँ इसकी वजह से ये होती है, तो इटोलॉजी उसी को कहते हैं। तो या तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से हो सकता है, या प्लगियोइन कोरोनरी आर्टरी, यानी थप्पा लग जाना या जम जाना या रुक जाना, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो पतली हो जाना, जैसे अब ये इतनी है, ठीक है, उसका ऐसा पतला हो जाना, तो जिससे क्या है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। स्पैम इन कोरोनरी आर्टरी की वजह से, इंसेमिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, यानी ड्यू टू कार्बोमोनोऑक्साइड और पल्मोनरी डिसऑर्डर की वजह से भी, और इंक्रीज आफ्टर लोड एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यानी लोड हो जाना और ब्लड सप्लाई की कमी हो जाना, इस वजह से ये देखने को मिलता है, आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं।
वो सॉरी सिम्टम्स नहीं कॉजेस हैं, इन वजह से ये मतलब जो डिसऑर्डर होता है। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या है, देखिए जो एंडोथेलियम सेल्स इंजरी या इन्फ्लेमेशन हो गई, उसके बाद प्लेगियो फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद प्लेगियो रिप्चर एंड थ्रोमोजेनेसिस हो गई, उसके बाद ब्लड सप्लाई कम हो गई, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई, उसके बाद मायोकार्डियल सेमिया हो गया, उसके बाद मायोकार्डियल सेल न्यूरोसिया हो गया, उसके बाद है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी पहले तो सेल इंजरी हो गई, उसके बाद प्लेगियो फॉर्मेशन हो गया, प्लेगियो रिप्चर एंड थ्रोमोजेनेसिस हो गई, फिर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गई और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, उसके बाद मायोकार्डियल इंसेमिया हो गया, उसके बाद मायोकार्डियल सेल न्यूरोसिस हो गई, उसके बाद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये है पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी इसके सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले सडनली चेस्ट पेन होने को मिलता है इसमें, मतलब देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, एंजाइटी होती है, स्वेटनिंग होती है, नौसिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट में, या तो चेस्ट पेन होगा, नहीं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होगी, स्वेटनिंग होगी, या नौसिया या वॉमिटिंग होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी किसी भी तरह की मेडिसिन ले बगैर हम कैसे जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद डाइट, अवॉइड मीट एंड डाइट की प्रोडक्ट्स, यानी जो मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये अवॉइड करने, एंड इंक्रीज द अनसेचुरेटेड फैट लाइक ओलिव ऑयल, कैनोल ऑयल, आलमंड एंड फिश, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, अनसेचुरेटेड जो फैट होते हैं वो, ये चीज़ें आपको सारे बंद करनी है डाइट में। टू कंट्रोल बॉडी वेट एंड ओबेसिटी, बॉडी वेट और ओबेसिटी कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें। ठीक है, ये सारी अब अगर आप कंडीशन करते हो तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आते हैं, इनसे भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द ब्लॉकड आर्टरी ऑफ हार्ट इज ट्रीटेड बाई सर्जरी प्रोसीजर कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। ठीक है, यानी जो हार्ट की जो आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती है वो सिर्फ सर्जरी प्रोसीजर से ही ठीक किए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। इन विच कैथेटर इज इंसर्ट, कैथेटर इंसर्ट विथ ए बैलून इन टू द आर्टरी। इसमें क्या होता है, जो कैथेटर होते हैं वो इंसर्ट करते हैं बैलून के द्वारा इन टू द आर्टरी, एंड बैलून इज इन्फ्लेक्टेड एंड लोकेटेड ब्लॉकड टू एक्सपेंड द आर्टरी, यानी वो क्या करता है आर्टरी को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। दिस रिंग कॉल्ड स्टेंट प्लेस देयर विच होल्ड द ओपन एंड आर्टरी, यानी स्टैंड को लगाते हैं, रिंग की तरह होता है, उससे आर्टरी ओपन रहती है। आफ्टर एंजियो ए हार्ट पेशेंट रिक्वायर्ड फॉलोइंग मेडिसिन, यानी जब आप हार्ट मतलब हार्ट की सर्जरी करवाते हो उसके बाद ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है। एक हो गया ब्लड थिनर हो गई, ब्लड थिनर एस्पिरिन हो गया, पेडराक्सा हो गया, थ्रोम्बोलाइटिक की जरूरत पड़ती है, एंटीप्लेटलेट ड्रग की जरूरत पड़ती है, नाइट्रेट की, बीटा ब्लॉकर्स की, एसी इनहिबिटर की। ठीक है, ये सारी ड्रग आपको देनी पड़ती हैं इन कंडीशंस में। ठीक है, और इनके ड्रग के नाम एक एक करके आप देख लो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, उसके बाद हमने टाइप देखे, उसके इटियोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।